सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट की एक प्रस्तुति। इस बॉक्स को ध्यान से देखें। बॉक्स आसानी से दरवाजे के उस पार नहीं निकल पाया। आइए अब हम इसी बॉक्स को घुमाकर दरवाजे के पार निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉक्स तथा इसके जैसी अन्य वस्तुओं में कुछ मोटाई या गहराई होती है। ये परिवेश में कुछ स्थान घेरती हैं। इन वस्तुओं को ठोस वस्तुएं कहते हैं। हमने वस्तुओं के गुणों के बारे में जाना और देखा ये परिवेश में कुछ स्थान घेरती हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ठोस वस्तुओं के कितने आयाम होते हैं। ठोस वस्तुओं में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ठोस वस्तुओं के तीन आयाम होते हैं। इसलिए ऐसी वस्तुओं को त्रिआयामी आकृतियां कहते हैं। आइए अब हम बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को ध्यान से देखते हैं। अब इसी बॉक्स की स्थिति को बदलकर इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को देखते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बॉक्स की लंबाई अब उसकी ऊंचाई बन चुकी है। अतः यह भ्रम है कि आकृति की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हमेशा एक ही स्थिति में देखी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वास्तव में हम वस्तु को जिस स्थिति में देखते हैं, हम उसकी उसी स्थिति के आधार पर लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को निर्धारित करते हैं। एक जैसी दिखने वाली ठोस वस्तुओं को अलग अलग समूह में वर्गीकृत करते हैं। आइए जानें कि बॉक्स जैसी आकृति को किस नाम से जाना जाता है। अब हम कोने या शीर्ष, किनारे और फलक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये कोने हैं, इन्हें शीर्ष भी कहा जाता है। ये किनारे कहलाते हैं। इन्हें फलक कहा जाता है। आइए बॉक्स के किनारे, शीर्ष और फलक की गिनती करते हैं। दिए गए बॉक्स में कितने किनारे हैं?
कितने शीट्स हैं? आइए इस बॉक्स का नेट देखते हैं। इसमें छह फलक हैं और किनारों की लंबाई भी समान नहीं है। जिस आकृति में 12 किनारे, 8 शीर्ष और छह फलक हों, वह घनाभ कहलाती है। आइए जाने कि पासे या डाइस जैसी आकृति को किस नाम से जाना जाता है। अब पासे में किनारे, शीर्ष तथा फलक की गिनती करते हैं। दिए गए पासे में कितने किनारे हैं? कितने शीर्ष हैं? आइए पासे का नेट देखते हैं। इसमें छह फलक हैं और किनारों की लंबाई समान है। जिस आकृति में 12 बराबर किनारे, 8 शीर्ष और छह फलक हों, वह घन कहलाती है। आइए जानें कि फुटबॉल की आकृति को किस नाम से जाना जाता है। जिन आकृतियों में केवल मुड़े हुए तल या वक्र तल होते हैं, वे गोला कहलाते हैं। आइए गोला में किनारे, शीर्ष तथा फलक की गिनती करते हैं। दिए गए गोला आकृति वाले फुटबॉल में कितने शीर्ष हैं? कितने किनारे हैं? आइए अब गोला का नेट देखते हैं। इसमें एक फलक है। गोले में कोई किनारा नहीं होता और न ही कोई शीर्ष होता है। इसका एक वक्र फलक होता है। आइए अब जाने की बर्थडे टोपी को किस नाम से जाना जाता है। इसमें एक शीर्ष है और एक समतल है, साथ में एक वक्र तल है। जिन आकृतियों में एक शीर्ष और दो तल होते हैं, वे शंकु कहलाते हैं। आइए देखते हैं कि दी गई टोपी में कितने शीर्ष, कितने किनारे और कितने फलक हैं।
अब हम टोपी के इस नेट को देखते हैं। ऐसी आकृतियां जिनमें एक शीर्ष, एक किनारा और दो फलक होते हैं शंकु कहलाती हैं। इसमें दो फलक हैं। शंकु में एक शीर्ष, एक किनारा और दो फलक होते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस गिलास जैसी आकृति को किस नाम से जाना जाता है। जिन आकृतियों में एक वक्रतल तथा दो समतल होते हैं वे बेलन कहलाते हैं। आइए अब बेलन के किनारे शीर्ष तथा फलक की गिनती करते हैं। दिए गए बेलन में कितने शीर्ष हैं? कितने किनारे हैं? ऐसी आकृतियां जिनमें कोई शीर्ष नहीं होता, दो किनारे और तीन फलक होते हैं, बेलन कहलाती हैं। अभी तक हमने लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं के बारे में सीखा। अब हम वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग रखते हैं। यह ढक्कन इस प्रकार रखने पर सरकता है और इस प्रकार रखने पर लुढ़कता है। नीचे दी गई कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो सरकती लुढ़कती हैं? एक जैसी दिखने वाली आकृतियों का मिलान करें। आकृतियों को वस्तुओं के साथ मिलान करें। बॉक्स में दी गई आकृति के समान दिखने वाली आकृति पर क्लिक करें। सही उत्तर छाटे।
सही उत्तर लिखें। प्रस्तुति सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट। प्रस्तुति सोसाइटी फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट।